तो बहुत दिन पहले बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो कभी बना नहीं। वो वीडियो था रिव्यू ऑफ ए पेन टैबलेट, एक्सपी पेन स्टार G960S पेन टैबलेट। इसको मैंने अगस्त में खरीदा था, खुद अपने पैसों से खरीदा था, और अगस्त से लेकर अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए मैं इसी को ही यूज कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग माय माउस। और ये पेन टैबलेट मोबाइल के साथ भी काम करता है। सो स्टे ट्यून फॉर ए मोर डिटेल रिव्यू। ओके, जैसे मैंने थंबनेल में बोला है कि इज अ पेन टैबलेट बेटर देन ए माउस, तो अगर आप मुझसे पूछोगे देन 100% ऑब्वियसली एनी डे अ पेन टैबलेट इज बेटर देन माउस। मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा है, एंड नॉट ओनली फॉर द यूसेज, बहुत सारे अर्गोनॉमिकल रीजंस भी है, मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को। और ये मेरे लाइफ का पहला पेन टैबलेट नहीं है, मैंने इससे पहले भी आई थिंक फ्रंटेक कंपनी का एक पेन टैबलेट खरीदा था। वो काफ़ी सस्ता था एंड काफ़ी छोटा था वो, एंड देट वॉज नॉट वेरी यूजबल। मैंने उससे शायद एक ही ड्राॅइंग बनाई थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि सस्ते पेन टैबलेट खरीद के ना उतना फ़ायदा है नहीं, एंड महंगा पेन टैबलेट खरीदना इज लिटिल ओवरकिल, मुझे ऐसा लगता था। तभी मुझे मिला एक्सपी पेन का ये पेन टैबलेट। सो द फर्स्ट रीज़न, मतलब जो मेन मेरा रीज़न था इसको खरीदने का, वो ये है कि इसका जो वर्क एरिया है, मतलब दिस पेन टैबलेट इज एक्चुअली वेरी बिग। और जब मैंने इसको ख़रीदा था तो इसका प्राइस था 3999, मतलब 4000 रुपये में मुझे इतना बड़ा एक पेन टैबलेट मिल गया विथ कस्टमाइजेबल कीज़। और अगर आप लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करोगे तो वैकम पेन टैबलेट्स आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, पर वैकम का अगर आपको इतना बड़ा एरिया वाला पेन टैबलेट खरीदना है देन योर बजट वुड हैव टू बी एटलीस्ट 10K+, मतलब 10-12K होना चाहिए। एंड ये कितना बड़ा है ये आप खुद ही देख सकते हो कि आई हैव प्लेस्ड इट राइट नेक्स्ट टू एन A4 शीट, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना बड़ा है ये। सो रीजनेबल प्राइस में एक इतना बड़ा वर्क एरिया इज ए कम्प्लीट विन विन। और अगर हम लोग एक्सेसरीज की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये कार्डबोर्ड पैकेट में आता है, और पैकेट के अंदर ही आपको मिलता है एक केबल जिसके साथ आप इस पेन टैबलेट को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको मिलता है 2 कनेक्टर, मतलब ये कन्वर्टेबल कनेक्टर बोलेंगे शायद इसको, एक टाइप सी आता है और एक माइक्रो USB, सो दैट यू कैन प्लग इन टू योर मोबाइल फोन्स एज वेल। उसके साथ आपको ऑफकोर्स ये पेन मिलता है, और पेन के निप्स को चेंज करने के लिए, येस ये पेन के निप्स को आप चेंज कर सकते हो, अगर ये घिस जाते हैं बहुत ज़्यादा तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो विद दिस रिंग, और कुछ एक्स्ट्रा निप्स भी आपको इस पैकेजिंग के साथ ही मिलते हैं। बैटरी की कोई जरूरत नहीं है, ना तो टैबलेट बैटरी यूज करता है ना तो पेन, सो इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर लाइफ टाइम। एंड प्लास्टिक बॉडी है, काफ़ी प्रीमियम लुक है, आपको दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप अपने लैपटॉप के साथ इसको भी साथ में कैरी कर सकते हो कहीं पे भी, तो वैसे कोई इशू आपको नहीं होगा। अब यूजेबिलिटी की बात करते हैं, तो मैंने जैसे आप लोग को बोला कि जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है तब से मैंने प्रैक्टिकली अपने माउस को यूज़ किया ही नहीं है, बहुत मतलब किया ही नहीं है, सच में बताऊं तो माउस को यूज़ किया ही नहीं है। एंड टू शिफ्ट फ्रॉम माउस टू यूजिंग ए पेन मुझे टोटल 2 दिन लगे, मुझे 2 दिन थोड़े हाथ में दर्द हो रहे थे बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू यूजिंग ए पेन, बट यूज टू होने में मुझे प्रैक्टिकली 2 दिन लग गए, बट तब से लेके अब तक तो मैं सिर्फ यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड मेरा जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं यूज़ करने वाले, वो होता है मेजरली एडोब CC, एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स, एंड मैं प्रीमियर हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, एडिटिंग हो, कुछ भी हो, मैं इस पेन से ही, इस पेन टैबलेट से ही मैं करता हूँ। एंड जो मेरा पुराना फ्रंटेक का पेन टैबलेट था ना, वहाँ पे इस पेन में 2 बटन्स थे, तो किसी भी पेन टैबलेट के आपके पेन में देखोगे तो आपको बटन्स मिलते हैं, तो मेरे उस पेन में, मतलब पुराने वाले फ्रंटेक में, मेरे पास 2 बटन्स थे, तो बेसिकली एक बटन था राइट क्लिक, एक बटन था लेफ्ट क्लिक जो माउस का होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन है, दैट इज ओनली राइट क्लिक। मतलब जब आप इस चीज़ को ऐसे प्रेस करोगे ना, आप जब पेन टैबलेट के साथ इसको सिर्फ प्रेस करोगे देन इट बिकम्स द लेफ्ट क्लिक, मतलब ये ऑटोमेटिक प्रेस हो ही जाता है, आपका क्लिक हो ही जाएगा, एंड फॉर द राइट क्लिक यू हैव टू प्रेस द बटन गिवन इन दिस पेन। एंड जैसा कि मैंने बोला, इस पेन टैबलेट में 4 कस्टमाइजेबल कीज़ है, मतलब आप सेट कर सकते हो कि ये कीज़ क्या करते हैं, तो मैंने इन कीज़ को बेसिकली एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड इलास्ट्रेटर में सेट करके रखा हुआ है। एंड जो ये टॉप की है, इस की को मैंने सेट किया है फॉर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो इसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है उसको ओपन करने के लिए मैंने उस की को
सेट किया हुआ है ताकि अगर मुझे कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है इस पेन टेबलेट का तो मैं बस उस की को प्रेस करता हूँ एंड मेरे सामने वो सेटअप खुल जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेटअप, तो ऑफकोर्स आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड ड्राइवर का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। एंड डू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, वहाँ पे लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, सो यू कैन डाउनलोड एंड अपग्रेड फ्रॉम दैट लिंक इटसेल्फ। एंड इंटरफेस जो है, सेटिंग्स जो है, काफ़ी सिंपल है, आप लोग देखोगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेट करना होता है। यहाँ पे कुछ भी समझाने के लिए कुछ है नहीं, बस एक चीज़ है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आपको दो मोड्स दिखेंगी, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। तो इसको ना दिखा के समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली रिलेटिव मोड इज़ एग्जैक्टली लाइक ए माउस। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सपोज आप काम कर रहे हो अपने पेन टेबलेट में, ऐसे आप काम कर रहे हो एंड आपने अपने पेन को मूव किया, मतलब आपने यहाँ से उठा के पेन को फिर यहाँ ला के आपने काम करना शुरू किया, तो आपका माउस ना, मतलब जो कर्सर है मॉनिटर में, वो हिलेगा नहीं, दैट विल स्टे इन दैट सेम पोजिशन। मतलब सपोज आप इधर कुछ कर रहे थे फिर आपने पेन को ला के इधर करना शुरू किया, तो माउस का कर्सर वहीं से ही शुरू होगा, जैसे कि माउस का होता है ना कि आप माउस इधर काम कर रहे थे तो उसको लेके जाके किसी और सरफेस में भी अगर आप काम करोगे तो कर्सर विल स्टे एट द सेम पोजीशन व्हाइल इट्स नॉट व्हाइल योर माउस इज इन द एयर। बट जो एब्सोल्यूट मोड है, वो मोड क्या होता है कि बेसिकली आपका जो ये वर्क एरिया है, यहाँ का जो वर्क एरिया है, दैट बिकम्स योर मॉनिटर। मतलब आपका मॉनिटर के चारों कोने इसके चारों कोनों के साथ मैच हो जाता है एंड अगर आपने इस कोने में सपोज टच किया तो आपका माउस सीधा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुंच जाएगा। अगर आपने ऐसे बॉटम राइट कॉर्नर में अपने माउस को ऐसे पेन को आपने प्रेस किया तो आपका कर्सर सीधा बॉटम राइट कॉर्नर में आ जाएगा। सो योर कर्सर विल जंप अकॉर्डिंग टू द पोजीशन यू विल प्लेस योर पेन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मैं रिलेटिव को यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता है, बट एब्सोल्यूट को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। इट्स लाइक प्लेइंग गेम। आपके गेम्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मुझे जितना पता है कि मिरर इमेज करके खेलते हैं, कि माउस का सेटिंग जो होता है ना कि मिरर करके खेलते हैं बहुत सारे लोग, फिर सेम खेलते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़ कि आप किस चीज़ में आप प्रैक्टिस करोगे। मैं रिलेटिव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड रिलेटिव इज़ मोर ईजी फॉर मी टू यूज़। और अब तक मैंने जितनी भी सारी बातें बोली इस पेन टेबलेट को लेके, ये सारी बातें जब आप पेन टेबलेट को मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे तब भी लागू होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तार का जो एंड आपके सीपीयू में जाएगा वो एंड बेसिकली आपको कन्वर्टर के थ्रू अपने मोबाइल में प्लग इन करना पड़ेगा एंड द मोमेंट यू विल प्लग इन आपको ये मैसेज दिखेगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल में। मेरे पास iOS है नहीं तो मैं आप लोग को iOS का दिखा नहीं सकता। देन उसके बाद आपका मोबाइल प्लेन सिंपल ओल्ड मॉनिटर बन जाएगा, एक माउस कर्सर आपको दिखेगा एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। काफ़ी इंट्यूटिव है, वो भी काफ़ी ईजी है, आप लोग कर सकते हो। अब इतनी सारी अच्छी बातें बोल दी तो कुछ तो बुरी बातें भी होंगी, तो देयर आर फ्यू नेगेटिव्स जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग डिसाइड कर सकते हो उसके ऊपर। सो द फर्स्ट नेगेटिव जो मुझे लगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि दिस पेन टेबलेट हैज़ प्रेशर सेंसिटिविटी। ऑब्वियसली पेन टेबलेट है तो प्रेशर सेंसिटिव है, मतलब आप जितना इसको प्रेस करोगे अपना आपका ब्रश उतना ज़्यादा डार्क होगा, इट्स लाइक रियल पेपर। बट द प्रॉब्लम इज जो प्रेशर सेंसिटिविटी है वो सिर्फ एब्सोल्यूट मोड में काम करता है, वो रिलेटिव मोड में काम नहीं करता। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ यू विल हैव टू स्विच टू एब्सोल्यूट मोड, विच इज़ लिटिल ट्रिकी फॉर मी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं रिलेटिव में काम करता हूँ, सो आई एम नॉट यूज टू एब्सोल्यूट मोड, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इशू हो जाता है, सो आई एम काउंटिंग इट एज ए नेगेटिव। तो अगर आप इस पेन टेबलेट के दूसरे रिव्यूज़ देखोगे यूट्यूब में, तो बहुत सारे रिव्यूज़ में ऐसा बोला गया है कि इस पेन का जो स्विच है, मतलब जो बटन है, वो काफ़ी फ्लश है, इट्स वेरी फ्लश, आपको पता नहीं चलता है कि वो बटन है भी या नहीं यहाँ पे, विच इज़ ट्रू। बट ये मुझे उतना नेगेटिव नहीं लगा कि इसको मैं काउंट करूँ, ये काफ़ी, मतलब आपको, आप यूज टू हो जाओगे कहाँ पे बटन है आपको मालूम चल जाएगा। बट वट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी इज़ दैट कि ये ना पेन काफ़ी थिन है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव वट इट्स कॉल्ड फार्मर्स हैंड, माई फिंगर्स आर स्मॉलर देन माई पाम, तो इसको ऐसे फार्मर्स हैंड बोलते हैं। सो आई एम गुड विथ बिगर ग्रिप्स, मतलब जैसे कि सपोज ये लेंस है तो मैं अगर इस लेंस को ऐसे पकड़ूँ ना, आप इस लेंस को मेरे हाथ से निकाल के नहीं लेके जा पाओगे। बट आई एम नॉट गुड विथ थिन ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस पेन। तो अगर आप मेरे रेगुलर पेन को देखोगे तो ये पेन भी ना काफ़ी थिक है, ये काफ़ी मोटा एक पेन है जो मैं रेगुलर यूज़ के लिए
रेगुलर पेपर में लिखने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, बट आप इसको देख सकते हो ये एक नॉर्मल पेन की तरह है। तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव जैसा मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब पहले दो दिन में आई वॉज नॉट गेटिंग यूज टू इट, बट अभी तो मैं यूज टू हो गया हूँ। सो ये भी एक इशू हो सकता है। एंड जो थर्ड नेगेटिव है वो भी इस पेन के रिलेटेड ही है कि आपको पेन टेबलेट सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन इस पेन को ना रखने के लिए कुछ नहीं मिलता। सो बेसिकली पहले दो तीन दिन मैं ऐसे ही रख के चला जाता था टेबल पे, फिर आके ढूंढना पड़ता था कि टेबल पे कहाँ गया मेरा पेन। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव मेड अ कार्डबोर्ड पेन होल्डर। आप लोग देख सकते हो मैंने ऐसे कार्डबोर्ड से एक पेन होल्डर बना लिया है। तो आई जस्ट कीप द पेन हियर, जब भी मेरा काम हो जाता है मैं ऐसे इसको रख देता हूँ, एंड देन आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऐसे। सो आई शुड हैव पेंटेड इट ब्लैक, बट ज़रूरी नहीं था, इट वर्क्स मेरे लिए, तो ये काम करता है। तो ऐसा एक पेन होल्डर आपको चाहिए होगा सो दैट यू डोंट लूज योर पेन, क्योंकि आप रख के चले जाओगे फिर अगर आपका टेबल भी ब्लैक है तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक नेगेटिव लगा। एंड फोर्थली, ये शायद नेगेटिव ना हर पेन टैबलेट के साथ है, कि अगर आप माउस यूज़ करते हो देन यू आर यूज टू स्क्रॉलिंग राइट, बट पेन टैबलेट यूज़ करते हो ना तो वो स्क्रॉल फंक्शन नहीं होता है। इट्स लाइक यूजिंग ए माउस विदाउट दिस स्क्रॉल बटन। आप इमेजिन कीजिए कि आप माउस यूज़ कर रहे हो बट यू कांट स्क्रॉल, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो वो एक चैलेंज हो जाता है वाइल यूजिंग पेन टैबलेट्स। एंड मैंने देखा था काफ़ी सारे महंगे पेन टैबलेट्स होते हैं जहाँ पे ना इस एरिया में एक टच पैड आता है, मतलब ऐसा थिन एक लाइन आता है विच इज़ लाइक स्क्रॉल, तो आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो आपको अगर स्क्रॉल करना है, बट ऑब्वियसली ये 4000 का पेन टैबलेट है तो इसमें वो स्क्रॉल फंक्शन नहीं आता है। सो व्हाट आई डू इज़ बेसिकली, पहले क्या था, जब मुझे स्क्रॉल करना होता था अपने सॉफ्टवेयर्स में, स्पेशली फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, प्रीमियर, ये सब में, तो जूम इन करने के लिए ऑल्ट एंड स्क्रॉल, पहले मैं ऐसा करता था, बट अभी ऑब्वियसली कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस ही करना होता है। एंड वाइल गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया पेजेस ऑब्वियसली द गुड ओल्ड स्क्रॉल बार। तो वो एक छोटा सा माइनर शिफ्ट इन बिहेवियर जो आपको करना पड़ेगा, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। इतने प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा एक पेन टैबलेट है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, मैंने 4000 में खरीदा था, 3999 में मैंने खरीदा था। एंड लास्टली, वाई इट्स बेटर देन माउस, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है ना, आपका जो हाथ है, आपका जो हाथ का रेस्टिंग पोजिशन है, आप अगर ऐसे रेस्ट करोगे ना हाथ को, देन योर थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स योर फ्रंट, मतलब आपका थंब ना आपके सामने की तरफ पॉइंट करता है। एंड वेन यू मूव योर हैंड, अगर आप अपने हाथ को ऐसे यहाँ पे बेंड करते हो, देन योर थंब शुड पॉइंट टूवर्ड्स द स्काई, दैट इज़ योर नेचुरल हैंड पोजिशन राइट। तो जब आप एक पेन को यूज़ करते हो ना, तो आपका नेचुरल हैंड पोजिशन उतना डिस्टर्ब नहीं होता, इट्स लाइक द सेम जैसा होना चाहिए। बट वेन यू यूज़ अ माउस, तो आपके हाथ को ना एक अननेचुरल ट्विस्ट पोजिशन में आपको रखना होता है। दिस इज सेम विथ कीबोर्ड्स ऑल्सो। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं, मतलब जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हो ना, तो योर नेचुरल हैंड पोजिशन इज़ लाइक दिस, जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपको हाथ को ऐसे एक अननेचुरल ट्विस्ट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मेरा हाथ ऐसे दर्द हो जाता है तो मैं ऐसे इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे उल्टा करके पकड़ के, ऐसे बस थोड़े टाइम के लिए, ताकि हाथ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। तो वाइल यूजिंग अ पेन टैबलेट, अ पेन, तो ये बहुत ही एक अच्छा होता है। एंड ऑफकोर्स इनपुट आउटपुट का भी आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, इट्स मोर इंटुइटिव, मुझे ऐसा लगा कि पेन टैबलेट इज़ मोर इंटुइटिव फॉर, मतलब आपको आपके मशीन के साथ एक करने में वो हेल्प करता है। आई होप अगेन आई एम मेकिंग सेंस, बट एनी वे गाइज, यही था मेरा रिव्यू फॉर दिस पेन टैबलेट, XP Pen Star G960S। आप एक ही बार में मैंने मॉडल नंबर बोल दिया, बट anyway, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके डे टू डे काम के लिए, अगर थोड़ा बेटर हैबिचुएटेड होने के लिए, अगर आपका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको एक पेन टैबलेट चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट। आप खरीद सकते हो, कुछ भी बुराई नहीं है इसमें, रेगुलर यूज़ के लिए कुछ भी बुराई नहीं है। मैं तो अपने डे टू डे काम के लिए हमेशा सिर्फ यही यूज़ करता हूँ। आप ड्रॉ कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रीमियर, फोटोशॉप, एनीथिंग, एडिटिंग, कुछ भी आप कीजिए, इसमें काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। This was Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.